जब आप पहली बार कोई लैपटॉप लेके आते हैं या कंप्यूटर लेकर आते हैं तो उसमें विंडो 11 प्री इंस्टॉल होती है। तो यहाँ पर हमको उसको जब लैपटॉप चालू करते हैं तो हम उसे ऑन करते हैं तो यहाँ पर यह हमसे अकाउंट मांगता है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट मांगा जाता है, तो हम इसी को बाईपास करेंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप बिना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट डाले यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आप किसी आईटी कंपनी में जॉब करते हो, वहाँ पर करीब 40 से 50 कंप्यूटर आपको फर्स्ट टाइम सेटअप करना है। तो यहाँ पर प्रत्येक के लिए आप अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट तो नहीं बना सकते, क्योंकि एक के लिए तो आप बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट, और यदि प्रत्येक के लिए बनाएंगे तो उसे मैनेज करना कठिन होगा, क्योंकि मान लीजिए भविष्य में कोई दिक्कत आती है तो आपको अकाउंट पूछा जाएगा, और यदि आप कुछ जानकारी नहीं है तो आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा और आपका पूरा डाटा भी जा सकता है। तो उस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप जो माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है उसको बाईपास कर सकते हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम सेटअप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने फर्स्ट टाइम लैपटॉप स्टार्ट किया तो यहाँ पर आ रहा है सिलेक्ट योर कंट्री और रीजन, तो हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और आगे बढ़ते। अब यहाँ पर कीबोर्ड लेआउट का ऑप्शन आ रहा है तो इसमें हम इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप जो विंडो 11 में जो होता है वाईफाई कनेक्ट करने का ऑप्शन आता है, देखिए यहाँ पर आपको वाईफाई जो कनेक्ट करने का ऑप्शन बिल्कुल आवश्यक है, ये आपको करना ही पड़ेगा। इससे क्या जो विंडो 11 जो भी अपडेट होती है वह इसी के साथ जो फर्स्ट टाइम होता है इसी के साथ ही वह अपडेट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको जो भी अवेलेबल जो वाईफाई हो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने वाईफाई से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, देखिए अब यहाँ पर यह कुछ लोडिंग करेगा और अब देखिए चेकिंग फॉर अपडेट, यहाँ पर अपडेट होने के बाद यह सिस्टम अब रिस्टार्ट हो गया। देखिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है लेट्स नेम योर डिवाइस, इस पर आपको अपने डिवाइस का नाम डालना है। यहाँ पर दो बार यूजर नेम डालना पड़ता है, पहली बार आप डाल दीजिए, लेकिन जो दूसरी बार डालेंगे जो पहली बार और दूसरी बार दोनों यूजर नेम अलग अलग होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पर पहला यूजर डाल देते हैं यूजर नेम, देखिए हम यहाँ कुछ भी डाल देते हैं, बस आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट टाइम यूजर पूछता है उसमें आपको अलग नाम देना है, लेट्स नेम योर डिवाइस एंड डिवाइस का नाम देना है, और जो सेकंड टाइम पूछेगा उसमें अलग देना है। दोनों में एक ही रखेंगे तो इंस्टॉल नहीं हो पाएगी विंडो 11। देखिए आपने यहाँ पर नाम दे दिया यूजर का, अब जब फिर से रिस्टार्ट होने लगा है, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। अब आपको यहाँ पर दिखेंगे दो ऑप्शन, यहाँ आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है, सेटअप फॉर पर्सनल यूज, सेटअप फॉर वर्क और स्कूल। यदि आपने फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया तो आपको 100% ही माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन हम बनाना नहीं चाहते इसलिए हम सेकंड वाला चुनेंगे। और सेकंड वाला चुनने के बाद भी वो आप उसमें घूमते रहेंगे, क्योंकि इसमें एक ट्रिक है, नहीं तो उसी में आप उलझे रहेंगे। देखिए हम जो दूसरे वाले पर क्लिक कर देते हैं, अब आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे भी आप देखेंगे ईमेल जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का ऑप्शन आएगा, लेकिन यहाँ पर हम साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको डोमेन ज्वाइन स्टेट बस इसी पर क्लिक करना है, बस जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने की बाध्यता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पर फिर से यूजर नेम पूछ रहा है, जो पहले हमने डिवाइस का नाम डाला था उससे ये वाले डिवाइस का नेम हम डिफरेंट डालेंगे। देखिए अब यहाँ पर हम डिफरेंट नाम डालेंगे जब यहाँ लॉग इन होगा, तो हम वही वाला नेम यूज करेंगे तो यहाँ पर दिक्कत आएगी हमको। देखिए हमने कर दिया, अब यहाँ पर पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पर हमको कोई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए अब यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको यहाँ भी बिल्कुल सिंपल रखना है, पासवर्ड 123 यूज कर सकते हैं और कोई सा भी क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यह हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भविष्य में यदि हम भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन हम कर लिए, अब हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। देखिए तो देखिए अब यहाँ पर ये नेक्स्ट का फिर से ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये जो प्रोटेक्ट योर डिवाइस इस पर हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। यहाँ पर भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट डालने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अब हम इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो पहले आ रहे थे उसे हम स्किप नहीं कर सकते थे। देखिए अब जैसे हमने जैसा अब किया, अब हमारी जो विंडो 11 है कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगी और हम इसे यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं डाला। इस प्रकार आप भी यदि ज़्यादा कंप्यूटर हो आपके वर्क प्लेस पर तो आप एक साथ उसमें यह प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।